सुरीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। शीशा कलेक्ट करना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी किसी सी साइड प्लेस में जाती हूँ, वहाँ से प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से शीशा कलेक्ट करके लाती हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब भी ऐसा करते होंगे। मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट में शीशा का यूज करती हूँ, जैसे की मैंने मिक्स मीडिया बॉटल आर्ट प्रोजेक्ट बनाया था, और इसी तरह से मैंने ये ओशियन रेजिन आर्ट टिश्यू बॉक्स भी बनाया था यूजिंग शीशा। तो इस तरह से आप अपने आर्ट बॉक्स में शीशा का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपने घर के डेकोर में इनका यूज करके एक क्लासी सा और ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आसानी से बिल्कुल कम खर्च में आप ये शीशा घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप इसे नेचुरल एंड रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अपना होममेड क्ले। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसका रेसिपी आपसे शेयर किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्ले को आपको इस तरह से शेप देना है, इसके एक साइड पे हमें थिन टेल बनाना है और दूसरी साइड पर हमें इसे थिक रखना है। अब यहाँ पे लगाइए थोड़ा सा व्हाइट ग्लू और फिर इसे चक्री की तरह रोल करिए। अब जो इसका ये थिक एंड है, यहाँ पर हम फिंगर से इस तरह से थोड़ा पिंच करेंगे ताकि इसका ये शेप रियलिस्टिक दिखेगा, और यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा गैप से इसे पिंच करके शेप देंगे। और अब हम लेंगे एक टूथपिक और उससे इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे लाइंस बनाएंगे। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी टूल्स या कोई भी मोल्ड्स यूज नहीं किए हैं, फिर भी इसका कितना अच्छा शेप आया है। और इन द सेम वे मैंने यहाँ पे दूसरा बनाया है, बट मैंने इस पे यहाँ पे पिंचिंग नहीं की है, इसको सिंपल ही रखा है। अब हम बनाएंगे अपना नेक शेप, और इसके लिए हम क्ले का एक बॉल बनाकर उसे इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर इसे एक साइड से थोड़ा सा पिंच कर हम उसे शी शेल का शेप देंगे। अब ये तो बन गया प्लेन शी शेल, बट इस पे रियलिस्टिक शी शेल का टेक्सचर देने के लिए हम लेंगे एक टूथपिक और उससे यहाँ पर इस तरह से लाइंस बनाएंगे। आप चाहें तो शी शेल्स बनाने के लिए जो मोल्ड्स आते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इस तरह से बिना मोल्ड्स के भी शी शेल्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट शेप बनाने के लिए हम फिर से इसे लॉन्ग टेल रोल करेंगे और फिर इस टूथपिक पर इसे हमें इस तरह से रोल करना है, और फिर इस टूथपिक को हम बिल्कुल धीरे से और ध्यान से यहां से रिमूव करेंगे। अब आप देखेंगे इसके ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और ओपन ना हो। अब जो इसका थिक एंड है, यहाँ पर हम किसी भी पेन या पेंसिल की हेल्प से एक होल बनाएंगे और हमारा ये वाला शेप भी बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट शेप हम बनाएंगे स्टारफिश, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। क्ले का एक राउंड बॉल लीजिए और फिर उसे बिल्कुल पूरी की तरह बेलिए, बट यहाँ पे आपको इसे थोड़ा थिक रखना है, और फिर बिल्कुल लाइट हैंड से यहाँ पे स्टार शेप ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल कट दिस। इस तरह की क्ले एक्टिविटीज करना बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप बिल्कुल आसानी से इजी इंग्रेडिएंट से ये होममेड क्ले बना सकते हैं। इसमें कोई हार्श केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं, ये नॉन टॉक्सिक है, तो इट इज सेफ फॉर किड्स ऑल्सो। अब इसे कट करने के बाद इसकी सभी साइड्स को हम थोड़ा थोड़ा शेप देंगे ताकि इसकी जो रफ एजेस हैं वो थोड़ा स्मूथ हो जाएं। अब किसी भी पेन या पेंसिल या ब्रश के पॉइंट से यहाँ पर हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। आप इस तरह के शीशेल्स के डिज़ाइन कुकी डो से भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के कुकीज़, या फिर आप फॉन्डेंट से भी इस तरह के शीशेल्स बनाकर बीच थीम के केक्स एंड कपकेक्स भी बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट शेप है उसके लिए हमें क्ले को इस तरह से छोटा सा रोल करना है और फिर एक साइड से इसे पिंच करना है। इसे थोड़ा सा यहाँ से हल्के से फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ हम बनाएंगे एक होल, और यहाँ टूथपिक से हम बनाएंगे छोटे छोटे लाइंस जिस तरह की शी शेल्स पे होते हैं,
आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से पिंच करकर टेक्सचर भी दे सकते हैं। अब हम इन सभी सी शेल्स को ड्राई होने के लिए रखेंगे, बिकॉज इनका शेप थोड़ा थिक है तो इन्हें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे ड्राई होने में। अब 2 दिन के बाद मेरे सभी सी शेल्स ड्राई हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि इन सभी का साइज थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो गया है, बिकॉज कोल्ड पॉर्सिलिन क्ले ड्राई होने के बाद श्रिंक होता है। मैंने अपने वीडियो में भी इसका कंपैरिजन करके आपको बताया था। अब हम इन सभी सी शेल्स को पेंट करेंगे। इन सी शेल्स को नेचुरल लुक देने के लिए शेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट का या 10 मिनट का छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप इतना टाइम निकालिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और फिर उसको ट्राई करिए। और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। आप अपनी चॉइस का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे एंड डार्क ग्रीन कलर, जो कि कॉमनली सी शेल्स के कलर्स होते हैं। अब इन सभी को मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में एक बेस कलर कर दिया है। यहाँ पे हम 2 लेयर्स में पेंटिंग करेंगे। जो फर्स्ट लेयर होगा वो होगा इसका बेस कोट एंड द सेकेंड कलर वी विल यूज फॉर शेडिंग। फर्स्ट लेयर ड्राई होने के बाद फिर हम करेंगे शेडिंग। अब जो शी शेल्स के फोल्ड्स हैं यहाँ पर हम थोड़ा डार्क शेड यूज करेंगे इस तरह से, और फिर हम शेडिंग करेंगे तो जो इस पे हमने लाइंस बनाई थी उसका भी टेक्सचर हाईलाइट होने लगेगा। इसे हम कम्प्लीटली पेंट नहीं करेंगे, इसे रॉ एंड रस्टिक ही रखना है ताकि इसका नेचुरल लुक आए, जैसे कि शी शेल्स होते हैं। अब ये वाले शी शेल के लिए हम यहाँ पर ब्राउन शेड से हाईलाइट करेंगे। इस तरह से आपको रफ शेडिंग करनी है। ये शी शेल सबसे कॉमन शी शेल होता है जो आपको इजीली बीचेस पे भी मिल जाता है, पर जो दूसरे शेप के शी शेल्स हमने बनाए हैं वो बहुत रेयर होते हैं और इतना इजीली हमको बीचेस पे भी नहीं मिलते, तो हमें उन्हें मार्केट से बाय करना पड़ता है। पर यहाँ पे आप देखिए, आप बिल्कुल कम कॉस्ट में अपने मनचाहे शेप और साइज में इन शी शेल्स को बना सकते हैं और अपने घर में सजा सकते हैं। इसके भी फोल्डिंग पार्ट्स को हम थोड़ा सा ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड से करेंगे और फिर इस तरह से शेडिंग करेंगे जिससे कि एक नेचुरल लुक आएगा। अगर आप इन्हें किसी आर्टवर्क में जैसे कि बॉटल आर्ट या मिक्स मीडिया आर्ट में यूज करना चाहते हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली बिना पेंट के यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको उस आर्टवर्क को भी पेंट करना है, या फिर आप इन्हें इस तरह से पेंट कर अपने घर के डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैंने एक शीशल बॉटल आर्ट का वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे शीशल्स स्टिक किए थे। आप आई बटन में जाकर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्चुअल शीशल्स नहीं हैं तो आप इस तरह के शीशल्स बनाकर वहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। अब हमारे सारे शीशल्स पेंट हो चुके हैं और ये देखिए कितने क्यूट से एंड ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं। इनमें से आपको कौन सा शीशल सबसे ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।